गलवे ना लिया तेरा 25वें में जब मूवमेंट है ना

थैंक यू मैम शक्ति को जो होस्ट हैं कानपुर वाले खुराना के उनको मैं बुलाना चाहूंगी बिकॉज़ ही है समथिंग वेरी स्पेशल एक बार तालियां हो जाए प्लीज जोरदार ऑलराइट right, अपार शक्ति ओवर टू यू थैंक यू सो मच वीना थैंक यू सो मच हेलो गाइस हाउ इज इट गोइंग कैसे हैं आप सब कानपुर वाले खुरानास की बारी है मैं हूं अपार शक्ति खुराना तो यार स्टार प्लस वैसे अपना शो मिल जाएगा मुझे पता नहीं था कि नया साल में घुस रहे हैं नया शो सब कुछ नया हो रहा है कपड़े नए हैं सब कुछ नया है नई टीम है सो या गाइज मुझे ऐसा लगा कि यार मैं कानपुर जाता हूँ अपने घर छुट्टियों पर सर्दियों की मेरी एक फिल्म ख़त्म होने दूसरी फिल्म स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम था तो मुझे लगा वहाँ बैठ के रिहर्सल्स करता हूँ स्क्रिप्ट रीड करता हूँ लेकिन जैसे ही वहाँ पहुँचा तो पता लगा यार यहाँ घर पे ही बैठ के शो करने की एक सुविधा है मैंने कहा यार ऐसा कभी नहीं मैंने सुना है कि अपने घर के आंगन में बैठ के यू कैन होस्ट अ शो तो घर पे बहुत सारे लोग हैं वैसे तो मेरी ना बहुत सारी बहनें हैं मैं बड़ा पैम्पर्ड चाइल्ड हूं अब कमाल की बात यह है कि बचपन में जब घर पे मैं हुआ हूं सबसे छोटे वाला तो इतनी ज्यादा मन्न से हुआ हूं इतना खुश हुए सब बहुत लड्डू बांटे इतने लड्डू बांटे कानपुर में कि मेरा नाम ही लड्डू पड़ गया है और अजीब प्रॉब्लम यह हुई कि मेरी माँ का नाम है बूंदी तो मैं बन गया बूंदी का लड्डू ज अट डिफिकल्ट पार्ट क्योंकि आज के डेट में कहीं जाता हूँ बूंदी का लड्डू बूंदी का पूरे मोहल्ले में यही बातें चल रही होती हैं सर तो जो है मेरे जीजा जी जीजा जी समझते हैं यू नो वट हमारे देश में ना सबसे ज्यादा मुश्किल रिलेशनशिप है जीजा जी को संभालना जीजा जी एक बार घर पे आ जाते हैं ना फुल टेंशन हो जाती है खाने में क्या बना पीने में क्या है ये क्या है वो क्या है पार्टी में कौन सी प्लेट है कौन सा डेकोरेशन एंड ऑल दैट जैज तो जीजा जी जो अक्सर तकलीफ होते हैं वो हमारे घर पे तकलीफ हैं कि नहीं है कैसा है मेरा इक्वेशन उनके साथ दिस शो इज ऑल अबाउट दैट ऑन दैट नोट प्लीज गिव इट फॉर जीजा ऑफ द हाउस टू इन जीजा जी, वो लेट भी आए तो टेंशन नहीं है जीजा जी आ गए हैं हेलो जीजा जी. ये जी ये तो जाने पहचाने चेहरे हैं देखो सारे इस बार मेरा नाम प्रमोद कुमार है <laughs> और इस बार मैं मर्द हूँ इस बार मैं एज ए जेंट्स हूँ हैं डॉक्टर तो मैं सारी जिंदगी हूँ क्योंकि मेरे को दवाइयों का पता है कौन सी देनी है आ, बहुत बहुत, बहुत वेलकम थैंक यू बहुत बहुत स्वागत आप इतने तैयार मीडिया मैंने कभी नहीं देखा <laughs> तैयार मीडिया लगता है इसके बाद शादी में जाना होगा किसी एक्टर की है ना जितनी <laughs> शादियां इस बार मीडिया वालों ने की है अटेंड होते किसी ने भी नहीं की तार। है तारिक दस तारीख को रिसेप्शन है दर्जी के पास जाके आए कि नहीं जाके आए <laughs> दस शादी के रिसेप्शन है <laughs> हैं इतना तो अपने रिसेप्शन में खुश नहीं हुए थे आप भाई ये मीडिया वालों को मानना पड़ेगा है फॉरनर जीजा जी अजीजा जी तो तुम नहीं मानते हाँ हाँ बाकी मीडिया वालों ने जितनी शादी अटेंड किया मेरे को लगता है किसी और ने नहीं अटेंड की बैंड वालों ने भी नहीं की इतनी है ना बहुत शादियाँ हो रही है ना इस साल सब लड़कियाँ तो बहुत हर रोज ही कोई ना कोई शादी रिसेप्शन बारात चली रही है पर फंक्शन भी बहुत सारे ना फंक्शन भी बहुत सारे, भी बहुत सारे ये भाई साहब यहाँ बैठे हुए हैं इनको ये नहीं पता कि इनके टिफिन में क्या इनको ये पता कि इटली में दीपिका रणवीर की शादी में पूपा फूफी की प्लेट में क्या था है ना है ना पनीर हुआ खत्म रह गई तरी तरी दीपिका रणबीर की शादी में तरी पार हो गए हां तो मैं अपनी आवाज में बात कर रहा हूँ। ऐसा शो में, में मेरी आवाज है नहीं मेरे नाम सुनील ग्रोवर है और मैं प्रमोद कुमार का इस बार कैरेक्टर कर रहा हूँ। वेशभूषा कुछ ऐसी है और ये पेट मैंने लगाया हुआ है ओके डोंट थिंक गर्ल्स दैट सो सुनील गॉन फैट

बहुत बहुत शुक्रगुजार है हम सब लोग की स्टार टीवी ने हमें मौका दिया है ए, लोगों को एक बार फिर से हंसाने का का उनके चेहरे स्माइल लाने का। तो पाजी और, पूरे साल भर के जो, जो कुछ हुआ है साल 2018 में उन सब चीजों की बातें होंगी इस शो पे हम लोग हाँ वो सब लोग लो आएंगे नहीं भी हुआ वो भी हाँ, बातें करेंगे हाँ, और जो आगे थोड़े टाइम में होने वाला है उसकी हो जाएगा सही है ना इन केस आपने कुछ मिस किया पिछले साल में पूरा कि क्या रह गया है वो हम यहाँ पे उसका हैं अभी करंट क्या चल रहा है वो भी होने वाला है, आगे क्या होने वाला है? अगले चार पांच भी है में में, हैं। हाँ, बहुत बहुत बधाई आपकी फिल्म स्त्री ने बहुत अच्छा किया है और ईश्वर करे आप भी स्त्री से पुरुष ही हैं इस फिल्म में तो अब हम हमारा दोनों का स्त्री से गुल दे रहे और भी हमारे कास्ट हैं आ, पर मैं बोलूँगा ऐसा नहीं जैसा मैं बोल रहा हूँ इस वक्त मेरी भाषा स्टाइल यूपी का है बिकॉज शो है कानपुर वाले खुरानास तो उसके अंदर मैं ऐसे ऐसे करके बात करता हूँ मैं जीजा हूँ इनका एक्चुअली तो आप ऐसे आए क्यों आपको तो मैं अकेले कर लेता यहाँ पे आप आए क्यों ऐसे मतलब इस ऐस वक्त मतलब मैं साला तो प्ले मैंने मै इस वक्त अच्छा अब तो अब मैं मैं हो गया हूं मैं साला ही हूं अब सडनली साला हूं मैं सडली हां हां आप आए क्यों यहां पे बताओ मैं आप यहां क्यों आए हो क्या क्या <laughs> ये कहते मारो साले को हां अच्छा तो ले ले साले एक्चुअली बेचारे बेचारे होते हैं जो रिश्ता है ना वो एक बेचारे बन गए वैसे अपार मेरे छोटे भाई की तरह हम दोनों का चंडीगढ़ कनेक्शन है, है एक और इनके फादर जो है यू नो हमेशा मार्गदर्शन करते रहे हैं मिस्टर पी खुराना वो बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं चंडीगढ़ के और Uh, मैंने चंडीगढ़ पहली बार जब किसी को जब पहली बार टेगो थिएटर गया चंडीगढ़ का सबसे फेमस थिएटर है टेगो थिएटर जहां पे सारे यू नो प्लेज होते थे म्यूजिक फंक्शंस होते थे कॉन्सर्ट्स होते थे अलग अलग जितनी परफॉर्मिंग आर्ट्स से रिलेटेड चीजें होती थी मैंने पहली बार किसी को इस, किसी इंसान को स्टेज परफॉर्म करते हुए देखा था तो वो सुनील पाजी थे और उस टाइम पे उस uh, बता दो ना पहले मेरे कान में बता दे <laughs> क्या <laughs> वो कितने <laughs> पैसे <laughs> मिले थे उसके लिए हाँ बता दो बाजी को उस जमाने में ढाई सौ मिले थे उस स्टेज पे परफॉर्म करने के लिए और तब से लेके वो ढाई सौ से लेके आज ढाई करोड़ की जर्नी मैंने देखी है आई थिंक ही इज जस्ट अ फैंटेस्टिक टैलेंट इन आवर कंट्री थैंक यू एंड आपका शो होस्ट करना तो मतलब मेरे लिए वैसी एक ऑनर की बात है पाजी मेरा शो नहीं है ये हमारा शो है हमारा शो है बाकी आर्टिस्ट है सब लोगों का शो है आ, और का, सारे खुरानाज का शो है जितने और ये देखिए कानपुर वाले खुराना <laughs> कानपुर वाले खुरानाज और हम भी अब सब खुरानाज हैं इस शो में आ, मैं हूँ उसके अंदर जीजा और जीजा की बड़ी खासियत होती है जो नॉर्थ के जीजा होते हैं जी, नॉर्थ इंडियन ये कहीं और भी होता है कि नॉर्थ में मैंने तो देखा है आप मुझे बताइए कि ये वेस्ट गुजरात में भी होता है ऐसा कि जीजा के नखरे बड़े होते हैं ना तो हर हर पैन इंडिया पूरे देश में होता अगर घर में दाल बनी हो तो ये कहते हैं नहीं आज तो चिकन खाने का मन था अगर घर में चिकन बना नहीं आज तो दाल खाने का नखरे तो तो पड़े होते हैं जी जगह तो ये छे कॉल फोन करने से पहले ये कहीं जाते नहीं वापस ससुराल में बहुत इज्जत इतनी बाहर कितनी भी दुनिया बेजती कर रही हो पर आके इज्जत के अधिकारी ससुराल में बहुत इज्जत कराते हैं बात बात में रूठना

जैसे गली में होती हैं बहुत नालियां हैं आप ऊपर ही आ जाओ ना मेरे साथ मैं कब से देख रहा हूं जब भी मैं बोलते हैं आपका कमेंट पहले आता है मुझे ऐसा लगता है मुझे लगता है, है? लगता है फारा मैम की जगह इनको भी ढाना चाहिए था है ना <laughs> इनके कमेंट मैडम के आए जा रहे हैं आए जा रहे हैं है? अरे यार कमाल की बात है मुझे ऐसा लग रहा है ये जीजा वाली बात है ना इनके घर पे ज्यादा बीती हुई है बहुत इनपुट आपके पास है ना आपके कितने चीजें हैं दो चीजा दो, दो मैं कह दो सौ के बराबर है <laughs> जीजा, होता है और किसी किसी की चीजा है पे कभी आपके आपके कितने इन्हें हम सम्मानित करना चाहेंगे छब्बीस जनवरी को हाथी पे इन्हें बिठाया जाएगा मैं राष्ट्रपति जी से अनुरोध करूंगा कि आइए ये इनके साथ चीजा है और इन्होंने मैनेज किया हुआ है मेरे भाई कभी भी कुछ हम आपके लिए कर सके हमें बताइएगा दीदियों के लिए ठीक है आपकी भाषा हम समझ सकते हैं

इसलिए बोल पा रहे हैं वरना साम सामने लगे होते तो कभी नहीं बोलते पर रहता भी मैं उनसे दूर हूँ ना सारे गुजरात में बॉं, मैं बॉम्बे में हूँ ना सर तो अच्छा तो क्या बात है तुम जीजा बने हो बेटा किसी के नहीं बने हो हैं बनने की ख्वाहिश भी नहीं है सर नहीं नहीं, नहीं, नहीं अरे जब बनोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि हो क्या रहा है हां अंदर से हार्मोनल चेंजेस आ जाते हैं आदमी कुछ नहीं करता जीजा बनते ही आदमी के हाथ जेब में चले जाते हैं <laughs> है ना ऐनक निकल जाती है ऐसे करके पास देखो जीजा जी बन गया निकल जीजा जीजा जाती है हाँ बाहर ऐसे कुत्ते भी ना गली में घुसते दे रहे हो पर अंदर आके शेर बने होते हैं ये लोग अच्छा दोस्तों मैं हूँ प्रमोद खुराना फॉर द मोमेंट वैसे ये जो शो है ये स्टार प्लस पे आएगा सैटरडे संडे रात साढ़े नौ बजे और फ्रेम्स लिटिल फ्रोडो हेमंत रंजीत फ्रेम से प्रीति सिमोस नीति सिमोस फ्रॉम uh, फ्रोडो से इन लोगों ने शो बनाया इनकी टीम ने बनाया है सारा और uh, सारी टीम है नाम काफ़ी लंबे हैं मैं धीरे धीरे लेता रहूँगा बट उससे पहले आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस द सालियाँ अरे आओ भाई कह गई आप देखो चल 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 चल। घर में जब ऐसा बेटा और इतनी सारी बहनें हो उसकी पहली बहन आई है चलो इनको पता मीडिया वाले हैं ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है देखिए अगर सेम कपड़े ना पहने हों तो ये अलग अलग देशों से लगती हैं ये चार बहनें हैं मैं आपसे इनकी इंट्रोडक्शन कराना चाहता हूँ कुछ तो मिसिंग है आपके हाँ ये सारे भाई बहन हम और, भाई आ, दो और दो सालियाँ और एक्चुअली तीन है एक मैनिकिन भी है और ये जो आ, ट्विन्स है ट्विन्स हैं हाँ ये मैनिकन सुगंधा भी एक साली बनी है और एक आ, अदा खान साली बनी है आ, बीवी बनी है सॉरी <laughs> मेरी बीवी का कैरेक्टर प्ले कर रही है वो भी यहाँ आ नहीं सकी हैं वो भी किसी स्टार की शादी में गई होगी इस वक्त मेरे घर लेकिन आ, मैं आपसे इंट्रोड्यूस कराना ये मेरी जो साली है ये जो आपको लग रहा है इस वक्त बैठी हुई है बैठी नहीं है खड़ी है ये एक्चुअली सूरी सर है सूरी भाई सूरी 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 प्लीज़ भाई मैना का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं इसके अंदर जो मैना है ये सबसे बड़ी बहन है और इसकी बड़ी एक खासियत है ये क्या खासियत है तुम्हारी वो लोग कहते हैं ना कि साली आधी घर वाली होती है तो मैंने वो कहावत सिद्ध की है आपके लिए अच्छा ये आधी घरवाली है ये साली आधी घरवाली है और ये साली चार गुना घरवाली है ये नौशाद भाई है नौशाद जी कैसे हैं आप ये जेनुअन लेडी नहीं है ये भी आज का पहले मैं आप बता दूं कि एक ही जेनुअन लड़की है आप इस वक्त तो नौशाद भाई ये दोनों बेसिकली जुड़वा है मैना और चिड़िया चिड़िया शक्ल से चिड़िया नाम चिड़िया है डायनासोर लगता था नहीं। लेकिन है एकदम बटरफ्लाई बड़ा प्यार करता हूँ ये दोनों जुड़वा हैं जब ये पैदा हुई ना तो मुझे लगा अकेले पैदा हुई है फिर बाद में इसके यहाँ पे मस्सा था तो मस्सा थोड़ा थोड़ा हिलने लगा तो बाद में मस्सा नहीं था लेकर ये है ये साथ में एक लड़की और है ये <laughs> 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 तो फिर हमने इनके पाँव में पाजे पहना दी ताकि पता चले किधर जा रही है किसी के पाँव के नीचे ना आ जाए तो ये है बुलबुल बुलबुल बुल जी कैसी हैं आप मैं अच्छी हूँ जीजा जी आप साथ खड़े हो तो मैं हमेशा अच्छी होती हूँ और मैं आपको बता दू ये कहती है ना कि साली आधी घर वाली होती है तो मैं उसका हावत उस बिल्कुल यकीन नहीं करती मैं सोचती हूँ कि जो साली होती है ना पूरी घर वाली होती है अब क्या है कि मेरा नाम है बुलबुल बुल। लेकिन मैं अपने पति को छोड़ के आ गई एक मिनट हाँ, पूरी घर वाली होती है मैं भी साली को पूरी मानता हूँ मदनपुरी अमरीशपुरी ओमपुरी ऐसे में हाँ ये ऐसा मानते हैं जीजा जी आप भी ना बहुत ही इंटेलिजेंट है मेरे जीजा जी क्या बताऊ मेरी शादी हुई थी मैं ना अपना पति का घर छोड़ के आ गई इसलिए क्योंकि उसमें एक भी क्वालिटी मेरे जीजा जी जैसी नहीं थी मेरे जो जीजा जी है ना वो नाक से गुब्बारा फुला लेते हैं हाँ जो, बड़े वाला भी। हाँ बड़े वाला और क्या करते हैं मेरे जीजा जी जो नारियल होता है उसे बिना तोड़े खा जाते हैं मेरे हस्बैंड वैसा नहीं था और जीजा जी तो एनिमल लवर हैं उनके सर में इतनी जुए पड़ी हुई है ना लेकिन कभी भी एक भी एक मरने नहीं देते हैं और दूसरों की जुए भी अपने सर में डाल लेते जीजा जी आई लव यू ये जू वाली बात तुम्हें किसने बताई मैं करता हूँ ऐसे आप जुव... ये जू की आप, ये कोई तुम मेरी प्रेज नहीं कर रही हो जू की दूसरी डाल की कोई बेवकूफ बेबूब जूए दूसरों की डालूंगा सिर में ये जू है सॉरी मेरे मुंह से निकल गया जीजा जी बोलते थे बताना मत सॉरी जीजा हाँ। जी, जी। तो बताया बस कोई बात नहीं कुछ दस बारह करोड़ लोगों को आज रात पता चलेगा <laughs> हाँ। और उधर है हमारी ये साली साली क्या कहेगी छोटा वाला है मेरे पास लेकिन कान बहुत बड़ा वाला है तुम्हारे <laughs> पास ये है चौथी देखिए तीन ही नाम रखे थे हमारी मम्मी ने उसके बाद कहती अब नाम क्या रखने नंबर डाल दिए चौथी थक चुकी थी तो उन्होंने कहा, कहा नामों के चक्कर में पड़े तो नंबर्स डाल देती हूँ तो फिर मैं चौथी फिर पांचवी फिर छठी फिर सातवीं फिर लड्डू फिर लड्डू बस अभी हम किसी मंत्री का वेट करें वो आए और हमारा नाम बदल दे बस। <laughs> 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 हमारी बूंदी है ना इसलिए उन्होंने हमारे भाई का नाम लड्डू रखा है लड्डू हाँ, बूंदी का लड्डू आज वैसे अली भाई हैं हमारे उपासना जी ऑफ कोर्स एवरीवन नोज उपासना जी साहब और आज अली अली भाई भाई का बर्थडे बर्थडे भी है है हैप्पी तालियां हो पहला इंट्रोडक्शन और बहुत ही मस्तीफुल शो होने वाला है तो मुझे दिख ही रहा है एंड आई थिंक द यूएसपी ऑफ द द शो इज़ कैरेक्टर्स सो कैरेक्टर से पहले मैं वहां आती हूँ थोड़ी बातचीत हो जाए हाँ जी इसके बाद डिस्को जाएंगे <laughs> हाँ अच्छा आप कानपुर ये से बाल ही? आपके ले, आपने हुए? नहीं, सब है।, unfortunately, unfortunately, सब है लेकिन मुझे आप, ये आप कानपुर से है आप कुछ बताइए <laughs> <laughs> हाँ तो आप की शादी कैसे हुई चल के हुई और शादी कैसे होगी और हनुमान अरेंज मैरिज थी उसके बाद लव हुआ अच्छा और हनीमून सब ठीक ठाक गया हनीमून हमने मनाया स्वेटरलैंड में स्विट्जरलैंड स्वेटर स्वेटर हाँ. स्वेटर जी, स्वेटर स्वेटर तुम्हारे लिए होगा स्विट्जरलैंड मेरे लिए तो स्वेटरलैंड है इतनी ठंड है मेरा तो स्वेटर ही नहीं उतरा मैं तो पहाड़ देख के आ गया सात दिन वहां पे अच्छा जीजा जी मुझे बताइए आपने दो कैरेक्टर्स प्ले किए हैं

उनके कैरेक्टर प्ले करना वही अच्छा लगता Ladies है लेडीज मैन अच्छा और आ, शादियों का सीजन है दीपिका प्रियंका तो एक बार अपना टेक भी बता दीजिए मैरिज के ऊपर में लोग जानना मुझे बहुत तो. खुशी है शादी के बंधन में सब लोग बंध रहे हैं और ईश्वर करे उनको वैवाहिक जीवन अच्छा मिले और बहुत दो एक दूसरे के साथ खुशी खुशी बिताएं बहुत अच्छी बात है थैंक यू थैंक यू और और मेरे को ये ये पहली बार है कि एक एक शादी के आठ आठ फंक्शन हो रहे हैं हाँ जी हर बार थैंक यू

Thank you. Can we have a little chat with you? Of course. Why we are, can't we? Yes, you're <laughs> always full of fun and energy. And you know, um, Parshakti, you've done a lot of hosting in the past. So, yeah. how was doing this different for you? Yar, pehli baat to arguing, anchoring, acting, tino mere life ke bahut aham hissa rahe hain. So. जब मैं आर्जिंग करता था तो एंकरिंग करने का मन करता था जब एंकरिंग करनी स्टार्ट करी तो मुझे लगता था यार कि क्या मैं कभी कोई बड़ा शो होस्ट कर पाऊँगा कि नहीं <laughs> तो फिर मुझे जब पता चला कि यार ये शो हो रहा है और ऑफ़ uh, कोर्स मैं एक फिल्म से दूसरे फिल्म में अभी गैप या होता रिहर्सल्स कर रहे थे दूसरे फिल्म की स्क्रिप्ट की तो मुझे लगा अभी मेरे पास टाइम भी है और ये जो क्विक रिकैप uh, है 2018 का आई uh, थिंक वीक आने वाला है तो इतना ज्यादा मतलब जल्दी जल्दी शूट होगा जल्दी जल्दी सब कुछ होता रहेगा एंड साथ में जो एक टीम है मैं बिल्कुल पहले, आपने पहले भी एक बार कोलैबोरेट कर चुका हूँ इनके साथ जितना okay. मजा आया था तब उतना ही मजा आया है wow. और मैं आसपास ऑलरेडी सबको जानता हूँ कॉमन फ्रेंड्स बहुत सारे हैं एंड जैसे सुनील ने शुरू में बताया मैं उनका साला भी बनाऊँ

वो आपके पास ना काफ़ी सारी चीज़ें आपका स्कोप होता है रीटेक करने का आपके पास स्कोप होता है यू नो you know, कभी आपका क्लोज अप लग रहा है कभी वाइड शॉट लग रहा है बहुत सारे अलग अलग तरीके से शॉट होता है लेकिन यहाँ पे एक वन गो में सारा का सारा यू you नो know, पूरा स्ट्रक्चर संभालना इज़ अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट थिंग टू डू समटाइम्स इवन मोर डिफिकल्ट देन थिएटर क्योंकि यहाँ पे बैक टू बैक यू नो कुछ ना कुछ चलता ही जा रहा है तो जो वो स्पेस है बहुत ज़्यादा कठिन स्पेस है एंड

तो इसके लिए लोगों को और, और हम अभी तक दो तीन अब किए तो बहुत अच्छा लगा मैं तो फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ सबके साथ में लेकिन हमारे जीजा जी हैं जो भाई हैं बाकी हमारी बहनें हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं और हम लोग अच्छे से करेंगे और इन करते रहेंगे अच्छे से सबको हंसाएंगे दिल से हंसएंगे दिल से हंसाएंगे सबको हंसाएंगे और डराते भी हैं डराते <laughs> भी बहुत है डराइएगा मत नहीं तो मैं भाग जाऊंगी और एक शब्द में आपका कैसा था एक्सपीरियंस वन वर्ड कैसा लगा आप बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है बड़ी अच्छी टीम है इनके साथ सीखने का सुनील भाजी जैसे हैं और अली भाजी है उपासना जी इनके साथ सीखने का बड़ा कुछ मिलता है सीखने के लिए तो अच्छी एक बहुत ही प्यारी सी टीम बनी है सभी एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं सभी समझाते हैं और कैरेक्टर्स भी हैं जो बी बिकॉज हर एक कैरेक्टर यूनिक है, हाँ, है ना हर एक हर एक हर कैरेक्टर के पास अपना काम है मतलब थैंक यू थैंक यू थैंक यू एक बार फिर से तालियां हो जाए और मैं यहाँ आ जाऊँ पासना जी पासणा जी, पास्टर जी आप मुझे पहले स्टेज के पीछे में मुझे बता रहे थे हमारे पास में ज्यादा टाइम नहीं मैं आपसे पूछूंगी लेकिन कि आपके कैरेक्टर के बारे में अगर आप बोलें और कैसा था एक्सपीरियंस बिकॉज आप ऑफकोर्स uh, साली बने हैं तो कैसा था आपका पूरा एक्सपीरियंस और क्या कैरेक्टर क्या, क्या, के बारे में अगर आप दो लाइनों में अगर एक्सप्लेन करना चाहेंगे तो कैरेक्टर तो मेरा आप समझ ही गए होंगे जिस हिसाब से मैंने आपको बताया कि वो मेरे जीजा जी हैं और जो सालियाँ हैं वो जीजा को बहुत पसंद करती हैं और आ, मैंने अपने कैरेक्टर के बारे में बता दिया लेकिन मेरा एक्सपीरियंस जो मैं बताऊंगी क्या है कि आ, इस टीम के साथ मैं बहुत काम कर चुकी हूँ प्रीति और नितिन इनके साथ मैंने बहुत काम किया है और मुझे लगता है कि कॉमेडी की इनको इतनी सेंस है और प्रीति जब स्क्रिप्ट पढ़ती है और इमीडिएटली जो चेंजेस करती है वो कमाल है प्रीति थैंक यू सो मच कि तुमने मुझे इस शो में रखा